हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा आज टॉपिक है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। मेरा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का एसटीएमडी नंबर हमारा 790 होता है और ईएसयू नंबर हमारा 178 होता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ में हमारा टेस्ट स्पेसिमेन साइज़ क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, कंडीशनिंग क्या होता है और हमारा जो लोडिंग फोर्सेस है वो हमारा कैसे करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है, किस स्पेसिमेन से करते हैं, हमारी जो टेस्टिंग है वो किस स्पेसिमेन से करते हैं, वो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको फुल डिटेल नहीं मिल पाएगी। जो हमारी वीडियो में हमारा जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के बारे में मैं बताने वाला हूँ उसकी जानकारी आपको पूरी नहीं मिलेगी। तो मेरा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। हमारा जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की जो डेफिनेशन रहती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड बेंडिंग फोर्सेस अप्लाइड टू परपेंडिकुलर टू इट्स लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस टेस्टिंग में हमारा जो फोर्सेस रहता है वो हमारा परपेंडिकुलर रहता है। जो हमारा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर है। ये हमारा मैकेनिकल सिस्टम रैम है जिससे हमारा बेंडिंग बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए हमारा परपेंडिकुलर रखा गया है एक्सिस में। ये हमारा देख पा रहे होंगे आप, परपेंडिकुलर में है हमारा। जो परपेंडिकुलर एक्सिस में हमारा फोर्स अप्लाइड होगा जो हमारा स्पेसिमेन है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी जो हमारा टेस्टिंग का मेथड है, दो प्रकार से किया जाता है टेस्टिंग का प्रोसीजर। नंबर एक 3-point bend एंड उसके बाद हमारा आता है 4-point bend। 3-point हमारा बेंड इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें 3-point बन रहे हैं, दो सपोर्टेंस और एक हमारा जो जिससे लोड अप्लाइड हो रहा है वो, यानी 3-point हो गए। उसके बाद हमारा दो फोर्स अप्लाइड होंगे और दो सपोर्टेंस यानी 4-point बनेंगे। इसी तरह से इसके नाम दर्शाए गए हैं 3-point and 4-point bend। उसके बाद हमारा सपोर्टेंस आता है। ये जो हमारे आप देख रहे हैं ट्रायंगल शेप में, ये हमारे सपोर्टेंस होते हैं। हमारे 3-point में एंड 4-point bend में हमारे जो सपोर्टेंस होते हैं वो दो दो होते हैं। उसके बाद 3-point bend में हमारा सिंगल लोड होता है, 4-point bend में हमारा डबल लोड अप्लाइड करते हैं, दो रैम के जरिए करते हैं। जो हमारा मैकेनिकल सिस्टम रहता है 3-point में सिंगल होता है, 4-point में डबल लोड देते हैं। उसके बाद हमारा है स्पान लेंथ। स्पान लेंथ क्या होता है, 16 times थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन की जो हमारी थिकनेस रहेगी वो 16 times करेंगे, उसका हम उसके अकॉर्डिंग हम स्पान लेंथ उसकी डिसाइड करेंगे कि हमारी जो स्पेसिमेन की जो स्पान लेंथ है वो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे एक सपोर्टेंस से दूसरे सपोर्टेंस के बीच की जो दूरी है उसे स्पान लेंथ बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा लोडिंग नोज होता है उसका हमारा रेडियस 3.2 mm होना चाहिए। जो हमारा रेडियस है 3-point bend and 4-point bend में, दोनों में हमारा 3.2 mm का रेडियस होना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है टेस्ट स्पेसिमेन साइज। टेस्ट स्पेसिमेन साइज हमारी होती है 127 × 12.7 × 6.4 lbt, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। इसको हम इंच में बोल सकते हैं 5 × 1/2 × 1/4 inches। ये हमारा टेस्ट स्पेसिमेन साइज होता है। नेक्स्ट है हमारा उसका फॉर्मूला। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है S = 3PL/2VD² वेयर एज पी लोड इन न्यूटन। जो हमारा लोड है वो हम न्यूटन में अप्लाइड कर रहे हैं। L हमारी जो डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट में सपोर्ट इन mm, जो हमारे दो सपोर्ट हैं उनके बीच की दूरी। B = width ऑफ द स्पेसिमेन इन mm, जो हमारे स्पेसिमेन की जो थिकनेस जो हमारा चौड़ाई है वो। एंड डी हमारा है थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन, जो हमारा थिकनेस रहेगा, जो हमारा स्पेसिमेन का साइज है। जैसे कि हमारा 6.4 यहाँ पे दिया गया है, तो हमारा यहाँ पे 6.4 mm हमारा थिकनेस हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा लोडिंग सिस्टम। जब हम पिस्टन से हम लोड अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस पे, तो उसका हमारा 3-point में हमारा कितना लोड होना चाहिए और 4-point में हमारा लोड कितना होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। 4-point में हमारा 0.1 mm पर मिनट होना चाहिए एंड 3-point में हमारा 0.01 mm पर मिनट होना चाहिए। जो हमारा 3-point bend है उसमें 0.01 mm पर मिनट होना चाहिए एंड 4-point में हमारा 0.1 mm पर मिनट होना चाहिए। और इसका जो टेस्टिंग कंडीशनिंग है, जो हमारा टेस्टिंग लैब का रहना चाहिए, वो हमारा 23 °C ± 2 °C टेम्परेचर होना चाहिए एंड 50 ± 5% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो हमारा उसको बोलते हैं मॉइस्चर। जो हमारा मॉइस्चर है वो हमारा 50 ± 5% होना चाहिए। मेन पॉइंट हमारा ये है कि हमारे जो ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है वो हम किस मशीन से करते हैं। तो हमारा ये पॉइंट है कि जो UTM मशीन हमारा जो है उससे हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी टेस्ट करते हैं। जैसे कि हमारा UTM मशीन का होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उससे हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी टेस्ट करते हैं। ये जो हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है इसका यूनिट हमारा न्यूटन पर mm² होता है। अब हम आते हैं सिग्निफिकेंस पर। सिग्निफिकेंस मतलब इसका हम जो टेस्ट कर रहे हैं इसका महत्व क्या है। हम किसी भी प्लास्टिक का बेंडिंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसका रैंकिंग देने के लिए करते हैं। जो हमारा प्लास्टिक कितना बेंडिंग हो सकता है, हमारी जिसकी भी प्लास्टिक की बेटर क्वालिटी रहेगी उसके अकॉर्डिंग हमें रैंकिंग देना रहेगा कि हमारा कौन सा प्लास्टिक हमारा मैक्सिमम बेंड या मिनिमम बेंड हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा उसका रैंकिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग में हमारा जो प्लास्टिक का जो सैंपल है हम किस कंडीशन से बना रहे हैं, किस मेथड से बना रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। अगर हमारा
इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से बना हुआ सैंपल है तो हमारा उसका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ गुड बेटर आएगा। यानी आते हैं फैक्टर ऑफ एक्टिंग पर, जो हमारा टेम्परेचर रहेगा एट हायर टेम्परेचर, टेस्टिंग टेम्परेचर, जब हम टेस्टिंग टेम्परेचर हाई रखते हैं तो उसकी फ्लेक्सुरल जो स्ट्रेंथ रहेगी, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हमेशा टेम्परेचर के डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल रहती है। अगर ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हाई आएगी तो टेम्परेचर कम होगा, और यदि टेम्परेचर हाई है तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या फ्लेक्सुरल मॉडुलस कम आएगा। यदि हमारी जो फोर्स है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का जो हमारा फोर्स है, अगर स्पीड वो हाई होगी तो हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की वैल्यू हाई आएगी, और अगर हमारा वो लो है तो हमारा उसके अकॉर्डिंग लो आएगा। ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारा जो टेस्ट स्पेसिमेन का जो मोलिकुलर ऑरिएंटेशन है वो हमारा डिपेंड कर, उस पर जो हमारा टेस्टिंग किया गया है उस पर फैक्टर अफेक्टिंग यही करेगा कि हमारा जो रिजल्ट आएगा उस पर इफेक्ट करेगा। जो भी हमारा मोलिकुलर ऑरिएंटेशन है, मोल्डेड जो हमारा सैंपल तैयार करते समय हमारा जो भी ऑरिएंटेशन हुआ है, जो भी हमारा कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई है, तो उसकी वजह से हमारा इसमें रिजल्ट अनइवन हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी सभी पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा थ्री पॉइंट बेंड है, एक हमारा परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है और दो हमारे नीचे से सपोर्टेंस के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। ये हमारा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से टेस्ट हो रहा है। सेकेंड है हमारा, ये देख सकते हैं आप, दो यानी फोर पॉइंट बेंड है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये फ्रैक्चर होता है और किस तरह से लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं, देख सकते हैं। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का एसटीएम नंबर 790 होता है और आईएसओ नंबर 178 होता है। आपका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। कल हम आपको नया टॉपिक बताने वाले। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।